हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि मनी इन द बैंक का पेपर व्यू होने वाला है यूके में, जहां पर रोमन रेंस हमें कम्पीट करते हुए दिखने वाले, बट क्या मनी इन द बैंक के पेपर व्यू में इस ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में आने वाला एक काफी बड़ा ट्विस्ट एंड रोमन रेंस हमें हारते हुए दिख सकते हैं अपनी टाइटल? आज की इस वीडियो में उसी के बारे में करने वाला हूं बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं मनी इन द बैंक के लिए क्या कुछ बड़ा हो चुका है ऑफिशियल, इसके अलावा रोमन रेंस ने किस रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। तो गाइस, सबसे पहले हम उसी रिकॉर्ड के बारे में बात कर लेते हैं जिसे रोमन रेंस ने कर दिया है ब्रेक। जैसा कि आप सब जानते हो, जब से रोमन रेंस का टाइटल रेंज शुरू हुआ है तब से वो कई सारे रिकॉर्ड बनाए जा रहे, बट एक ऐसा रिकॉर्ड जो कि उन्होंने पहले भी तोड़ रखा है बट कुछ फैंस उसे नहीं मान रहे थे, और वो चीज है सीएम पंक का 434 डेज का टाइटल रेंज एज WWE चैंपियन। सो आप सबको पता ही है, एज यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस ने इस रिकॉर्ड को एक डेढ़ साल पहले ही तोड़ दिया था, बट फैंस के अकॉर्डिंग यूनिवर्सल चैंपियनशिप उतनी ज्यादा रेलिवेंट नहीं है जितनी ज्यादा WWE चैंपियनशिप है। इसलिए रोमन रेंस ने एक तरह से सीएम पंक के WWE चैंपियनशिप रेंज को ब्रेक नहीं किया था, बट गाइस अब वो चीज हो चुकी है, क्योंकि आप सबको पता ही है रोमन रेंस हमें WWE चैंपियन बनते हुए दिखे थे लास्ट ईयर के रेसलमेनिया में, और फाइनली उन्होंने एज WWE चैंपियन भी ब्रेक कर दिया सीएम पंक का 434 डेज का टाइटल रेन का रिकॉर्ड। इसलिए भाई सीएम पंक के इस रेन को रोमन रेंस ने एक नहीं बल्कि दो दो बार ब्रेक कर दिया। वैसे अब दोनों टाइटल मिलकर एक हो चुकी है, आपके अकॉर्डिंग रोमन रेंस का टाइटल रेन कितने दिनों का होने वाला है वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए कि मनी इन द बैंक पेपर व्यू के लिए क्या कुछ बड़ा हो चुका है ऑफिशियल। तो जैसा कि इस वीक का रॉ उतना कुछ ज्यादा खास तो नहीं रहा, मेन इवेंट को हटाकर एक कमाल का हमें टैग टीम चैंपियनशिप मैच देखने को मिला, बट शो में हमें काफी कुछ बड़ी चीजें कंफर्म होते हुए दिखी। सबसे पहले तो रिया रिप्ली हमें शो को स्टार्ट करते हुए दिखती है और उन्हें न्यू वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप मिलते हुए दिखती है, जिसकी अपडेट हमें पहले ही मिल गई थी, और डिजाइन भी है दोनों चैंपियनशिप का वैसा ही रहा जैसा कि अपडेट्स में आया था। सो रिया रिप्ली को टाइटल मिलने के बाद वहां पर डोमिनिक भी आते हैं, फिर हमें कोडी रोड्स आते हुए दिखते हैं, और लास्ट वीक जो डोमिनिक ने स्लैब किया था कोडी रोड्स को, उस चीज के बारे में कोडी रोड्स बात करते हैं एंड वो चैलेंज कर देते हैं डोमिनिक को एक मैच के लिए मनी इन द बैंक के पेपर व्यू में। एंड डोमिनिक की तरफ से रिया रिप्ली ने इस चैलेंज को कर लिया एक्सेप्ट, यानी कि डोमिनिक वर्सेस कोडी रोड्स का मैच हो चुका है ऑफिशियल मनी इन द बैंक के पेपर व्यू में। वहीं डेमियन प्रिस्ट मैट रिडल को हराकर एड हो चुके हैं मेंस मनी द बैंक लैडर मैच में, एंड अब 6 के 6 नाम हो चुके हैं कंफर्म। बट जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि लोगन पॉल का WWE प्लान कर रही है मनी इन द बैंक में इन्वॉल्वमेंट, एंड WWE ने ये चीज कंफर्म कर दी है कि नेक्स्ट वीक के रॉ में लोगन पॉल का होने वाला है रिटर्न। तो क्या पता वो भी हमें ऐड होते हुए दिख जाए मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच में और वो बन जाए 7-man लैडर मैच। इसके बाद जो हमें एक काफी बड़ा मैच ऑफिशियल होते हुए दिखा वो है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच सेथ रॉलिंस वर्सेस फिन बैलर के बीच। तो फिन बैलर इस वीक के रॉ में हमें काफी ज्यादा गुस्से में देखने को मिलते, वो आते ही कॉल आउट करते सेथ रॉलिंस को, और यहाँ पर फिन बैलर पास्ट के बारे में बात करते जिस तरह से उन्होंने डे 1 में ही हराया रोमन रेंस को, फिर उसके 2 वीक बाद सेथ रॉलिंस को हराया और बने यूनिवर्सल चैंपियन, लेकिन सेथ रॉलिंस की वजह से उन्हें हो जाती है इंजरी जिसकी वजह से उन्हें सब कुछ खोना पड़ता है। बट अब वो सेथ रॉलिंस से सब कुछ लेने वाले क्योंकि वो उन्हें चैलेंज कर देते हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मनी इन द बैंक के पेपर व्यू में, एंड सेथ रॉलिंस कर लेते हैं उस चैलेंज को एक्सेप्ट। और यहाँ पर भाई क्राउड ने थोड़ा ज्यादा ही गाना गाकर इस सेगमेंट को थोड़ा बेकार बना दिया, बट हाँ सेथ रॉलिंस जाते जाते ये थिंग बोलते हैं कि मुझे फिन बैलर के जिस वर्जन ने हराया था वो कोई और था, लेकिन अभी जो हम सब देख रहे हैं वो स्टूपिड है, एंड वो होप करते हैं कि मनी इन द बैंक में फिन बैलर उसी वर्जन को लेकर आए। यानी कि गाइस यहां से टीज हो चुका है कि हमें डीमन फिन बैलर देखने को मिल सकता है मनी इन द बैंक के पेपर व्यू में सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट। वैसे डीमन में भी अब लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है बिकॉज रोमन रेंस ने तो उन्हें हरा ही दिया था, साथ ही साथ एज ने भी उन्हें इस ईयर हरा दिया है, और डीमन को तो हराना WWE का मिस्टेक तो था ही खास कर एज से। लेकिन फिर भी भाई जब डीमन आने वाला है तो फैंस की एक्साइटमेंट जरूर से रहने वाली है कि क्या पता हमें डीमन बैलर बनते हुए दिख जाए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, क्योंकि काफी फैंस इस थिंग को चाहते हैं। वैसे आप इस मैच में किसे सपोर्ट कर रहे हो, डीमन बैलर को या फिर सेथ रॉलिंस को, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद फाइनली बात कर ली जाए कि क्या मनी इन द बैंक के पेपर व्यू में हमें ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में आते हुए दिखने वाला है एक काफी बड़ा ट्विस्ट। सो जैसा कि आप सबको पता ही है, ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में हमें हर वीक कुछ ना कुछ बड़ी चीजें देखने को मिल रही है, जिस तरह से जिमी उसने सबसे पहले धोखा दिया, उसके बाद स्मैकडाउन में हमें ब्लड लाइन का एक काफी कमाल का सेगमेंट देखने को मिला, फिर जिमी उसने जे उसो को गलती से सुपर किक लगा दिया। तो अब फैंस ब्लड लाइन के फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। तो गाइस आप सब एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मनी इन द बैंक के पेपर व्यू में हमें कुछ बड़ा देखने को मिलने वाला है, बिकॉज मनी इन द बैंक के बाद WWE का नेक्स्ट पेपर व्यू होने वाला है समर स्लैम, जो कि आप सब जानते ही हो रेसलमेनिया के बाद WWE का सबसे बड़ा पेपर व्यू है, जिसके लिए WWE ने ऑलरेडी काफी कुछ प्लान कर लिया होगा, और रोमन रेंस के लिए WWE ने क्या कुछ प्लान किया है वो हमें पता चलते हुए दिखेगा मनी इन द बैंक के पेपर व्यू में। वही बात कर लीजिए कि वो क्या चीज हो सकती है, तो गाइस वो ये है कि जे
रूसो हमें फाइनली टर्न होते हुए दिखे रोमन रेंस पर। सो आप सबको पता ही है अभी स्मैकडाउन में हमें स्टोरी लाइन देखने को मिल रही है कि जे उसो किसके साइड पर रहने वाले, वो रहने वाले रोमन रेंस के साइड पर या फिर अपने ब्रदर जिमी उसो के साइड पर। और जब से जिमी उसो ने गलती से सुपर किक लगा दिया जे उसो पर, तो फैंस एक्सपेक्ट करे कि जे उसो जाने वाले हैं रोमन रेंस के साइड। तो गाइज अभी हमें ऐसा देखने को मिल सकता है कि जे उसो रोमन रेंस के साथ ही रहे, बट फाइनली जाकर जब जिमी उसो वर्सेस रोमन रेंस का सिंगल्स मैच चल रहा हो मनी इन द बैंक के पेपर व्यू में, देन वहां पर हमें जे उसो साथ देते हुए दिखे अपने ब्रदर जिमी उसो का, जिसकी वजह से हमें जिमी उसो की जीत होते हुए दिख सकती है। और अगर टाइटल मैच रहता है तो क्या पता हमें टाइटल चेंज भी होते हुए दिख जाए, लेकिन हाँ जिमी उसो के चैंपियन बनने के थोड़े कम चांसेस है जब तक पूरी की पूरी ब्लड लाइन यानी कि सोलो सिक्वा जे उसो सभी अलग नहीं हो जाते रोमन रेंस से। और जो पहली अपडेट निकल कर आई थी कि WWE समर स्लैम के लिए एक टैग टीम मैच प्लान कर रही है रोमन रेंस एंड सोलो सिक्वा वर्सेस जे एंड जिमी उसो के बीच, वही चीज हमें देखने को मिले। नहीं तो गाइज अगर समर स्लैम में WWE रोमन रेंस का और भी ज्यादा बड़ा मैच प्लान कर रही है तो ये चीज हो सकता है हमें ये टैग टीम मैच मनी इन द बैंक में देखने को मिल जाए, जहां पर सोलो सिक्वा में धोखा देते हुए दिखे रोमन रेंस को, फिर सोलो सिक्वा वर्सेस रोमन रेंस का मैच अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए हमें देखने को मिले समर स्लैम के मेन इवेंट में। बिकॉज आप सबको पता ही है इस मैच को WWE करवाने का प्लान कर रही है जो कि पॉसिबली समर स्लैम या फिर रेसलमेनिया के स्टेज में ही होने वाला है। सो मनी इन द बैंक रोमन रेंस एंड पूरी की पूरी ब्लड लाइन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज वहां से काफी कुछ बदलने वाला है। हो सकता है रोमन रेंस अकेले बचे, लेकिन आप सब मुझे ये कॉमेंट कर जरूर से बताना आप समर स्लैम में कौन सा मैच देखना चाहते हो, टैग टीम मैच या फिर सोलो सिक्वा वर्सेस रोमन रेंस का मैच। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।